जून के महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियाँ कौन सी हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो इस बार काफ़ी लेट हो गया क्योंकि डेटा काफ़ी लेट आया है। मैंने अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं करी, डेटा आज ही आया है और आज ही वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 25th पोजीशन पर है किया मोटर्स की कैरेंस, जिसकी 5,316 यूनिट्स बिकी हैं मई में पूरे भारत में। 24th पोजीशन पर आई है हुंडई की ग्रैंड i10, जिसकी 5,328 यूनिट्स बिकी हैं। भाई अगर बात करूँ ना इस गाड़ी की, तो उसका नाम बड़ा बढ़िया लगता है मेरे को। ग्रैंड में से जी हटा दो तो बढ़िया, आर हटा दो तो बढ़िया, कुछ भी हटा दो तो बढ़िया ही है। 23rd पोजीशन पर आई है महिंद्रा की थार, जिसकी 5,750 यूनिट्स बिकी हैं। ये 3-डोर थार है और रही बात 5-डोर थार की, तो इस साल के आखिर तक ये गाड़ी आपको इंडियन रोड्स पर देखने मिल जाएगी। 22nd पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स की टियागो, जिसकी 5,927 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस बार इसकी बिक्री थोड़ी कम हुई है, टियागो CNG जब से आई है इसकी बिक्री में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन इस महीने ये 6,000 टच कर पाई है मुश्किल से। 21 पोजीशन पर है किया मोटर्स की सेल्टॉस, जिसकी 6,736 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। सेल्टॉस की हालत तो दिन पर दिन भाई ख़राब होती जा रही है, ICU में एडमिट हो जाएगी ये मुझे लग रहा 2-4 महीनों में। इसके बाद 20th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स की ही दूसरी गाड़ी सोनेट, जिसकी 7,433 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। आगे बढ़ते हैं तो 19th पोजीशन पर है मारुति की ऑल्टो K10, जिसकी 7,675 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। यही वजह है कि मारुति ने ड्रीम सीरीज़ लॉन्च करी है, जिसमें आप ऑल्टो के टॉप वेरिएंट को भी 5,00,000 रुपए में खरीद सकते हो। कि लोग बाग अब मारुति की जो बजट वाली गाड़ियां हैं, जैसे कि एक्सप्रेस हो, सैलरी हो या फिर ऑल्टो, ये नहीं खरीद रहे हैं लोग। तो उसको बिक्री को इम्प्रूव करने के लिए मारुति ने एक ड्रीम सीरीज़ लॉन्च करी है, जिसमें ऑल्टो, एक्सप्रेसो और सैलरियो आपको 5,00,000 रुपए में मिल जाती है विथ मोर फीचर्स। 18th पोजीशन पर आया है हमारा हार्दिक पांड्या हुंडई का एक्स्टर, जिसकी 7,697 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। 17th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 8,026 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस महीने बोलेरो की बिक्री भी काफ़ी कम हो गई है, पिछले महीने मेरे ख्याल में शायद 10,000 क्रॉस कर गई थी और इस बार 8,000 पे डली हुई है। 16th पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा हाईक्रॉस, जिसकी 8,548 यूनिट्स बिकी हैं पूर्व भारत में। इसमें इनोवा हाईक्रॉस और इनोवा क्रिस्टा दोनों की बिक्री इंक्लूड करके मैं आपको बता रहा हूँ। 15th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 9,327 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 14th पोजीशन पर है मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसकी 9,736 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में मई के महीने में। 13th पोजीशन पर आई है अभी हाल ही में लॉन्च हुई महिंद्रा की XUV3XO, जिसकी 10,000 यूनिट्स बिकी हैं। महिंद्रा ने पहले ही बोला था कि इनके पास 10,000 यूनिट बन के एकदम तैयार खड़ी हैं और डिलीवरी देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और वही हुआ कि जैसे ही डिलीवरी चालू हुई हैं, पिछले महीने 27 तारीख को शायद डिलीवरी चालू हुई थी और उसके बाद 10,000 यूनिट्स डिलीवर कर भी दी गई। अब देखते हैं कि अगले महीने मतलब कि जून में इस गाड़ी की बिक्री कितनी होती है। 12th पोजीशन पर है मारुति की ईको, जिसकी 10,960 यूनिट्स बिकी हैं मई में पूरे भारत में। 11th पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन, जिसकी 11,457 यूनिट्स बिकी हैं। भाई नेक्सॉन कभी नंबर वन पे आया करती थी, नीचे खिसकते खिसकते टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो चुकी है। आज ये हालत हो गई है इस गाड़ी की। भाई सब कुछ तो है इस गाड़ी में, अच्छी दिखती है, अच्छा कंफर्ट है, अच्छी चलती भी है, मजबूत भी है, फीचर्स भी भर भर के मिल रहे हैं इसमें, उसके बाद भी 11th पोजीशन पर क्यों डली हुई है। इसके पीछे का मेजर रीज़न मेरे हिसाब से है ना, शायद इसकी ही सिबलिंग पंच है, क्योंकि पंच CNG में मिल जा रही है और नेक्सॉन CNG में नहीं मिलती। टाटा मोटर्स को जल्दी से जल्दी CNG में इसे लॉन्च करना चाहिए, उसके लॉन्च होने के 2 या 3 महीने के अंदर ही आपको टॉप 5 के अंदर नज़र आ सकती है। चलिए टॉप 10 की लिस्ट में चलते हैं। तो 10th पोजीशन पर है मारुति की फ्रॉन्क्स, जिसकी 12,681 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 9th पोजीशन पर है मारुति की बलेनो, जिसकी 12,842 यूनिट्स बिकी हैं। 8th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी 13,717 यूनिट्स बिकी हैं। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन दोनों की कंबाइंड सेल्स अगर मैं आपको बता रहा हूँ, गजब कर दिया स्कॉर्पियो ने यार, टॉप 10 की लिस्ट में एंटर करी है और 8th पोजीशन पर है। हो सकता है आने वाले महीनों में टॉप 5 में अपनी जगह बना ले।
सेवंथ पोजीशन पर है मारुति की अर्टेगा, जिसकी 13,893 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। सिक्स पोजीशन पर आई है मारुति की ब्रिजा, जिसकी 14,186 14,186 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। एक तो यार ये 14 क्यों बिकते हो यार, तुम 13 बिक लो, 15 बिक लो, 14 ही क्यों बिकना है। फिफ्थ पोजीशन पर आई है मारुति की वैगनार, और ये भी 14,492 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। यार 14-12 बोलने में अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है 14 नहीं कुछ और बोल रहे हो। फोर्थ पोजीशन पर आई है हुंडई की क्रेटा, अरे यार ये भी 14,662 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की मई में पूरे भारत में। थर्ड पोजीशन पर आई है मारुति की डिज़ायर, जिसकी 16,081 यूनिट्स बिकी हैं। भाई डिज़ायर गजब ही काम कर रही है, सारी एसयूवी सबको पीछे छोड़ दिया, ये सेडान इतनी बिक रही है, ऐसा क्या है सेडान में? टैक्सी वालों भैया यूनियन बताओ जरा मिलके, इतनी कितनी मतलब क्या ही बोलूँ मैं। सेकंड पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स की पंच, जिसकी 18,949 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। भाई पंच पिछले कुछ महीनों से लगातार पहली पोजीशन पर चल रही थी, लेकिन अब आके फाइनली किसी दूसरी गाड़ी ने इस गाड़ी की पोजीशन छीन ली है, और वो गाड़ी कौन सी है? वो है मारुति की स्विफ्ट, जो कि नंबर वन पोजीशन पर आई है, और इस गाड़ी की 19,393 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। स्विफ्ट की नेक्स्ट जनरेशन को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, उस नेक्स्ट जनरेशन में कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए हैं। इंटीरियर में जरूर चेंज है, एक्सटीरियर में तो बहुत कम चेंज किए गए हैं, लेकिन बिक्री में आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई है अगले ही महीने। तो ये थी 25 सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।